नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 3 में हमें आए दिन नए नए कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, और आज हम आपको एक ऐसे ही मजेदार पिच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण अनुपम और अमन गुप्ता के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। दरअसल एक एपिसोड में शार्क के सामने ऑनलाइन विवाद सुलझाने वाले ODR डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश हुई थी। दरअसल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालत के बाहर लोगों की समस्या पर समाधान ढूंढने वाला एक कानूनी मंच है, और उन्होंने शार्क से 1% इक्विटी के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे। शार्क टैंक इंडिया में पहली बार पेश होने वाली इस कानूनी डील को अपनी तरफ लाने के लिए शार्क इतने उत्सुक थे कि इस बीच उनकी आपस में लड़ाई भी हो गई। दरअसल पिक्चर के प्रेजेंटेशन खत्म होते ही सबसे पहले अमन गुप्ता और नमिता ने उन्हें एक ऑफर दिया। इन दोनों के बाद अमित जैन ने भी उनकी तरफ से वकीलों की इस कंपनी को एक डील ऑफर की। कुछ समय बाद रितेश भी नमिता और अमन के साथ जुड़ गए, और अनुपम मित्तल ने अमित जैन से हाथ मिलाया। पिक्चर को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हुए अमन ने उन्हें कहा कि हमने पिछले 14 महीने में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम किया है और उन्हें संभाला है, इसलिए हम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अमन की बातें सुनकर अनुपम ने उन पर टिप्पणी की और कहा कि नेटवर्किंग का बिजनेस है, ये कोई ऑडियो स्पीकर बेचने का धंधा नहीं है। हमेशा की तरह अमन ने भी अनुपम पर निशाना साधते हुए पिक्चर से कहा कि आप ये देखकर फैसला कीजिए कि कौन शांति से काम ले रहा है और कौन अपना आपा खो रहा है। काफी बातचीत करने के बाद कंपनी ने अमन, रितेश और नमिता के साथ डील करने का फैसला किया। उनके फैसले से खुश होकर अमन और नमिता दोनों ने उन्हें कहा, आपने बड़ा ही सही विकल्प चुना है और आपको इस फैसले पर कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा। डील अपने नाम होने के बाद अमन ने फिर एक बार अनुपम की टांग खिंचाई की और कहा कि कोई बोल रहा था कि मैं टेक का किंग हूँ, ओहो उनके लिए मुझे बुरा लगा। तो ये था वो डील जिसके चक्कर में अनुपम और अमन गुप्ता के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी बहस हो गई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।